भाई साहब इतना फॉरेस्टेशन हो रहा है ना, आप सोच ही मत, इतना भीड़ है, देख सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ है। भाई साहब टीवी चल रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ दरभंगा में कहाँ टीवी चलता है। दिल्ली जा रहे हैं भाई। हेलो जी, के हाल चाल है आप सभी का, स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ रोशन झार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रोशन जोन। गाइस आज हमारी लास्ट ब्लॉग है गांव की। क्यों ऐसा कह रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि कल हम जाएंगे दिल्ली अपने गांव को छोड़कर और आज हम तत्काल टिकट लेंगे। गाइस आज का मौसम देखो कितना सूरभन कहर बरसा रहा है। आज ना सुबह ही 34 डिग्री पे चला गया, बहुत ही गर्मी होने वाली है नीचे, और आप सभी को दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और इधर देखो सुबह सुबह टीवी दिखाई हो रही है, इधर देखो गैया खाना खा रही है। कितना अच्छा लग रहा है यार। आज देखो फरारी कितना गंदा हो रखा है, आज हम साफ सुथरा करके एकदम घर में रखेंगे, क्योंकि आज के बाद तो चलाएंगे नहीं। और अभी देखो सुबह गांव का जीवन सुबह सुबह कैसा होता है, सो देखो गाइस। एंड माँ खाना बना रही है उधर, अभी हम नाश्ता वास्ता करके चलेंगे, आप सभी को दिखाते हैं। A few moments later. रात में बारिश हुई थी क्या भाई साहब? मुझे तो पता ही नहीं चला कि रात में बारिश भी हुई थी, कि इतना एडिटिंग कर करके सो गया था। और अभी देखो रोड का हाल कैसा हो रखा है, फिलहाल देखो रोड का हाल कैसा लग रहा है। देखो भैंसिया चढ़ने के लिए जा रही है। भाई बाहर में तो यही सब तो मिस करते हैं सभी लोग, मैं तो बहुत मिस करूंगा क्योंकि बहुत साल के बाद जाने वाले हैं। तो अच्छा A few moments later. गाइस अभी जो देख रहे हैं हमको 4 दिन के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि गाइस आप सबको पता नहीं होगा यहाँ पे स्टोरी मैंने लगा दिया था, इसे मैं टिकट नहीं कटवाया, दिल्ली नहीं जा पाया। तो आज गाइस हम जाने वाले हैं दिल्ली, क्योंकि अभी जो है टाइम हो रहा है 11, अभी हम कहाँ आए आप सभी को दिखा रहे। और गाइस देखो ये ग्रीन ग्रीन सब जितना देख रहे हैं ये धान के पौधे हैं, आप उस साइड में। आज हमारा आखिरी दिन है बिहार का, तो हम आए थे खेत वेत, क्योंकि धान के पौधे बहुत बड़े हो भी गए और पानी भरा पड़ा है। गाइस इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा एकदम, अच्छा लाइटिंग लग रहा है इधर का। और ये हमारा फरारी। A few moments later. Yeah. अभी ना हम पूरा नहा धो के एकदम तैयार हो गए, और अभी हम दिखाते हैं आपको हमारा पैकिंग कितना बड़ा हो चुका है। और हमारा बैग देखो भाई साहब, पूरा बैग लोडिंग हो चुका है, क्योंकि अब इतना सामान दे दिया, बहुत भारी, बहुत ज्यादा भारी है। फिलहाल हमारा जूता, ये जूता पहन के जाएंगे, और वो बैग रहेगा एक, ये बैग रहेगा। मगर क्यों? A few moments later. और एकदम खाना वाना खा के एकदम तैयार हो गया, और देखो बैग वैग सब कुछ तैयार। और ये जो है हमारे दही, हमारे परंपरा है मुंह मीठा करके घर से जाना, और अभी भगवान घर जा रहे। देखो कक्का गोड़ लगी थी, पैसा मिला, देखो अब जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं साथ में। एंड गाइज कोई न्यूज चैनल वाले मेरे दोस्त या कोई व्यूअर देख रहे हैं, तो प्लीज आके आप तमोरिया स्टेशन को कवर कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी पैसेंजर को बाथरूम यदि यूज करना होगा तो भी ताला मारा हुआ होता है, कवर करें प्लीज मेरे ओर से भी और मेरे जनता की ओर से भी। आप तो आप इस इशू को, प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं आके। नहीं नहीं अभी और सुनिए, और कॉलेज से आ गए, दिल्ली जा रहे हैं। Bye. देख सकते हो पूरा बारिश एकदम झमाझम, घर से निकलते ही एकदम झमाझम बारिश होने लगी, और गाइस अभी तक हो रही है। पांव का हालात देखो कैसा बीन चुका है। गाइस अभी ना अभी सक्रिय स्टेशन पे 1 घंटे के बाद ट्रेन आएगी, संतरा सनानी एक्सप्रेस, आप सभी को बता चुके हैं। और मेरे साथ जा रहे हैं अपने मेरी भाभी, और उनके साथ जा रहे हैं हम।
गाइस अभी जो है हमारे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर, और आपको बता दूं कि इतना भीड़ है स्टेशन में। 2 घंटा सफर करने के बाद अभी पानी के लिए खाना वाना खाएंगे, इसके बाद जाएंगे सफर में, आप सबको दिखाएंगे। अभी रात होने वाली है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 7 बज रहा है और अभी हम सो के उठे हैं। इलाहाबाद में अभी ट्रेन रुकी हुई है भाई साहब, इतना फॉरेस्टेशन हो रहा है ना, आप सोच ही मत, क्योंकि इतना भीड़ है, देख सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ है। यहाँ पर तिरंगा और ये इधर का नजारा हाल कैसा हो रखा है। और गाइस मेरे को इतना सामान ज्यादा भारी है ना भाई साहब, क्या बात है। गाइस अभी हम आ गए हैं लिफ्ट में भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, क्या बताऊं आप सभी को, क्योंकि इससे पहले ना हमको ट्रेन में हादसा हो चुका था, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था कि भाई साहब कुछ हो ना जाए। और हम एकदम दिल्ली में उतर चुके हैं। एंड गाइस अभी हम एग्जिट कर रहे हैं दिल्ली स्टेशन। दिल्ली स्टेशन का देखो लुक कैसा लग रहा है भाई साहब, बहुत ही गजब लग रहा है। कला बनी हुई एकदम देख सकते हो। एंड अभी जो है इधर का टेम्परेचर है ना, बहुत ही गर्मी फील लग रहा है यार। कहा गवर्नमेंट 29 अभी 3 डिग्री चल रही है। हाँ जी नहीं आउट है नहीं नहीं चल भाई जल्दी जल्दी से एकदम। आहा भाई साहब टीवी चल रहा है यहाँ पे, वाह क्या सीन है। हमारे यहाँ दरभंगा में कहाँ टीवी चलता है जी, गजब बेइज्जती है। यहाँ पे टीवी चल रहा है। वाली आ रही है यार, आओ जल्द जल्दी। बैग का हाल है देखो कितना गंदा हो चुका है यार, घर पे सफा कर लेंगे कोई बात ना। ये जो देख रहे हैं कनाल प्लेस है सारा ये जगह, सब जगह कनाल प्लेस का ये। एंड नो इंडिया गेट देख सकते हो आप सर, भाई साहब दिल्ली में तो इतना जाम लग रहा है ना, गाड़ी गाड़ी हमेशा गाड़ी। सब सामान तो इधर है और इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर पे है। हालत तो वैसे ही खराब है, स्टेशन से आए और ऊपर जाएंगे तो और भी हालत खराब हो जाएगा भाई। इधर का माहौल देखो, नहा लेके इसके बाद आप सबको मिलते हैं। चलो भाई देखो। 2 hours later अब भैया एक प्लेट टिक्की दे दियो, और एकदम गोलगप्पे है उधर टिक्की, यहाँ पे बड़ा पाव। आज ये देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, मैं रहता था इसी को मिस करता था। अभी देख सकते हो बहुत खाऊंगा बहुत अच्छे से, फिलहाल अभी खा लेते इसके बाद चलते हैं। A few moments later, yeah. And guys, ज़्यादा कुछ बताया नहीं कि यहाँ की एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता, इस वजह से थोड़ा आप सभी को गैप गैप करके दिखाया। कल आप सभी को सब कुछ बताएंगे हमारे इलाके में क्या क्या चीजें हैं। आज तक वीडियो देख रहे थे तो शुक्रिया आप सभी को। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।